हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 हैंडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें गन्नौर और मुरथल के बीच पकड़ा है। ये तीनों फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। तीनों आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं और पाकिस्तान में आतंकियों के संपर्क में थे और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को फंडिंग करते थे। पकड़े गए इन 3 आरोपियों में से 2 आतंकी पति पत्नी हैं और तीसरा उनका साथी है। आरोपी पति पत्नी पंजाब के हरन तारन के रहने वाले रवि और वरिंद्रदीप कौर हैं और उनके साथी की पहचान चंडीगढ़ के रहने वाले कर्णब अरोड़ा के रूप में हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोनीपत पुलिस को एक इनपुट दिया था कि जैश ए मोहम्मद के 3 हैंडलर निजी वाहन से सोनीपत से गुजरेंगे। सोनीपत पुलिस को तीनों संदिग्धों की पहचान के लिए फोटो भेजे गए थे। इस पर सोनीपत पुलिस हरकत में आई और गन्नौर मुरथल के बीच नाका लगाकर निगरानी शुरू कर दी। इसी बीच रविवार देर रात कार से एक महिला और 2 युवक को आता देखकर रोकने के बाद हिरासत में ले लिया गया। उनकी पहचान रवि, उसकी पत्नी रविंदर दीप कौर और उसके साथी कड़प के रूप में हुई है। पुलिस को तलाशी के दौरान उनके पास से फतेहाबाद से तैयार कराए गए फर्जी पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। इसकी सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस को दिल्ली मुख्यालय को दे दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP संदीप भट्ट अपनी टीम के साथ सोनीपत पहुंचे, जिसके बाद रात को तीनों आरोपियों को मुरथल थाने में रखा गया। उसके बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर तीनों को पुलिस जम्मू लेकर रवाना हो गई। पुलिस के अनुसार नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी मोहम्मद परवेज और उमर फारूक पकड़े गए थे। इनके पास से पुलिस को 28 और 15 लाख रुपए मिले थे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये आतंकियों की मदद करने वाले आरोपी आशिक के लिए काम करते हैं। उसको ये रुपये अमृतसर में अज्ञात मददगार ने नवंबर में दिए थे। पुलिस जांच में अज्ञात मददगार की पहचान रवि और उसकी पत्नी रविंदर दीप कौर के रूप में हुई है। तो देखा आपने किस तरह से इन 3 आतंकियों को फंडिंग के मामले में, पैसा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनको ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू कश्मीर लेकर जाया गया है। और इनसे और खुलासे हो सकते हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इसको लेकर आपने सोशल मीडिया पर तो कुछ खबरें ज़रूर देखी होंगी, लेकिन मैन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर पूरी तरह से गायब है, क्योंकि इनका धर्म आप समझ सकते हैं, अगर ये मुसलमान होते तो किस तरह से तमाम चैनलों पर ये खबरें चलाई जा रही होती हैं। शुक्रिया आपका, हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।